वेलकम टू स्वाद घरसा। मैं पूनम, मेरी आज की रेसिपी है मक्खन जैसी सॉफ्ट पनीर। आप घर में बना के रेडी करें, ताज़ा ताज़ा, बहुत ही टेस्टी, बाज़ार से भी अच्छा मक्खन के जैसा पनीर। चलिए बनाना शुरू करते हैं टेस्टी पनीर। 1 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम वाला दूध है ये 1 लीटर। इसे अभी हम पकाएंगे, एक बॉयल आने देंगे। दूध में उबाल आ गया है, अब इसे हमें इसी तरीके से गैस को स्लो करके 2 मिनट तक पकने देना है। अच्छे तरीके से दूध पक जाए, 2 मिनट तक हम इसी तरीके से पकाएंगे। दूध में 4 से 5 उबाल अच्छे तरीके से आ गया और दूध पक गया है। अब गैस को एकदम स्लो कर देंगे, बहुत ही मीडियम पे रखेंगे गैस को। और मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून विनेगर लिया है और इसमें 3 टेबल स्पून इसमें मैंने पानी ऐड किया है और मिक्स कर लिया है। इसको अब हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे दूध में। थोड़ा थोड़ा ही ऐड करें और इस तरीके से चारों तरफ से ऐसे इकट्ठा एक जगह ना ऐड करें और गैस को बंद कर दें। अब धीरे धीरे चलाते रहें, गैस को बंद कर दें और चलाते रहें। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही हम विनेगर का पानी इसमें ऐड करेंगे। अभी पूरी तरीके से पनीर अभी हमारा बना नहीं है, इसमें हम थोड़ा और विनेगर का पानी ऐड करेंगे। चारों तरफ इसे डालना है, एक जगह नहीं डालना है। फिर से चलाना है, चलाते रहें तब तक जब तक पानी और पनीर दोनों छोड़ ना दे, अलग अलग ना दिखने लगे। तब तक हमें इसी तरीके से 1 से 2 मिनट तक आप ऐसे चलाते रहें। इसे पनीर फटके अलग हो चुका है, इसका पानी ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। और पनीर इसे हम छान लेते हैं, पनीर हमारा बन के रेडी है ये देखिए। कोई भी बड़ा बर्तन ले लें और उसके ऊपर इस तरीके से छन्नी रख दें और छन्नी के ऊपर आप कॉटन का कपड़ा या मलमल का कपड़ा रख सकते हैं। अब हम इसमें पनीर को ऐड करेंगे। पूरा छान लेंगे हम, ये देखिए पूरा हमने छान लिया है। अब इसी के ऊपर ठंडा पानी ऐड करेंगे, चिल फ्रिज का पानी है, इसे ऐड करेंगे। धोएंगे अच्छे तरीके से, इसका विनेगर का टेस्ट इसमें से निकल जाए पनीर में से और फ्रेश पनीर हमारी बन के रेडी हो। 1 लीटर मैंने टोटल इसमें पानी ऐड किया है और अभी हम इसे इसका पॉकेट जैसा बना लेते हैं और सारे पानी को ऐसे छान लेते हैं दबा दबा के। जितना आपसे दबा सके उतना दबा के निचोड़ के आप पानी निकाल लें, सारे पानी को निचोड़ निचोड़ के। जितना हो सका अच्छे तरीके से हमने पनीर में से पानी को निकाल दिया है। अब इसे अच्छे तरीके से फोल्ड कर देंगे। एक प्लेट लिया है और इसे आप टर्न कर दें और इसके ऊपर जो पनीर का हमने बना के रखा है उसे ऐसे प्रेस कर दें और उसके ऊपर इस तरीके से भारी डिब्बा रख दें। इसमें 1 लीटर तक पानी है, आप कुछ भी वजन चीज रख सकते हैं, 1 से 2 लीटर तक या केजी के हिसाब से, जितना जितना हैवी हो सके आप पनीर के ऊपर हैवी चीज रखें और इसको 1 से 2 घंटे तक इसी तरीके से छोड़ दें। 1 से 2 घंटे बाद हमारे पनीर बहुत ही अच्छे तरीके से बन के रेडी होंगे, एकदम मक्खन के जैसा आप पनीर चाहते हैं तो आप इस तरीके से प्रोसीजर पूरा करें और 1 से 2 घंटे तक इसे रेस्ट करने के लिए रख दें। 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं हमको पनीर को रखे हुए, हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी पनीर हमारी बन के रेडी हुई है, देखिए ऐसा हम सभी को कट कर लेते हैं।
जैसा आप छोटा बड़ा साइज चाहते हैं पनीर का उस हिसाब से आप कट कर लें। ये देखिए हमारे पनीर कितने अच्छे तरीके से बन के रेडी हुए हैं, देखिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही सॉफ्ट, सभी बहुत अच्छे तरीके से बन के एकदम मक्खन की जैसे चिकना, बहुत ही अच्छे बन के रेडी हुए हैं। इसी तरीके से आप घर में पनीर बना करके रेडी करें, साफ सुथरी अच्छी पनीर, घर की ताज़ा ताज़ा पनीर। 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क में 200 से 250 ग्राम तक पनीर बन के रेडी होता है। अगर आपके पास वेनेगर नहीं है तो वेनेगर की जगह नींबू का रस ऐड कर सकते हैं और सेम इसी तरीके से पनीर बना सकते हैं, फ्रेश मक्खन के जैसी ताज़ा ताज़ा पनीर। आपको मेरे पनीर की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।